बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो हमारी है जी किचन शॉप के बारे में, कि ये किस तरह से लगते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये हमारे पास किचन शॉप है, इनको हम यहाँ पे किचन शॉप के नाम से पुकारते हैं। किचन कैबिनेट के डोर को ये ऊपर खुलने में मदद देते हैं, उसको नीचे नहीं आने देते और हाइड्रोलिक सिस्टम से उसको ऊपर लेके जाते हैं। शुरू करते हैं वीडियो, इसको खोल के देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। ये हमारे पास दो किचन शॉप आ गए, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में किचन शॉप बोलते हैं। आपको मैं इसका इंग्लिश में रियल नेम भी बताता हूँ। इसका रियल नाम है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका रियल नाम है, ठीक है। आप चाहे तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास डोर है, जिसको हमने ऊपर की तरफ खोलना है और इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है इसका यहाँ पे खड़ा होना। उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट लिखी हुई है, नक्शा कुछ ऐसे बना हुआ है। ये किचन कैबिनेट है ये वाला, और ये उसका डोर आया हुआ है। जैसे हमारा ये किचन कैबिनेट है और ये इसका ऊपर ये वाला डोर है, इसी तरह सेम इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये किचन कैबिनेट आपको नज़र आ रहा होगा इधर से लेके इधर तक, क्योंकि इसकी चौड़ाई होती है, गहराई जैसे हम बोलते हैं, 1 फुट, और ये इसका डोर है। और यहाँ से हम अब स्टार्ट करने लगे हैं निशान लगाने का, इधर उसके डोर से लेके नीचे जहाँ तक उन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर 240 mm, ठीक है। और हम इसका निशान यहाँ पर लगाएँगे। मैं आपको ये इंचियों में भी बता दूंगा कि 240 mm क्या बनता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिन्हें mm का नहीं पता। हो गया हमारा तकरीबन ये 100 mm, आधा सूतर काम 4 इंची पे आ रहा है। ये हमारा 200 mm हो गया, जो एक सूतर काम 8 इंची पे आ रहा है। और ये हमारा आ गया 10, 20, 30 और 40। 40 हमारा लगभग आ जाता है जी 9 इंची 3.5 सूतर पे, ठीक। हम ये निशान लगा लेंगे, निशान हम लगाएंगे ये ऊपर जहाँ पे हमारा ये डोर है इसका, इधर से हम निशान यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमारा 240 mm पे निशान लग गया है। जहाँ पे हमने 240 mm का निशान लगाया है, वहाँ पे इसका ये हम यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पे कोई मार्क वगैरह नहीं बना हुआ सेंटर का, लेकिन हम ये यहाँ पे सेंटर जहाँ से उनकी गोलाई इधर शुरू होती है, जहाँ से उधर शुरू होती है, ये इसका सेंटर आ गया है। इसको हम उसके निशान के बिल्कुल सेंटर में रख के, और यहाँ पे हम ऊपर वाला स्क्रू लगा देंगे। अब उसी तरह नीचे वाला भी हम लगा देंगे। नीचे वाला हमारा ये लग गया है 240 mm पे हमने लगा दिया है। अब हमारा आ गया है 70 mm, तो 70 mm हम कैसे लगाएंगे? इंची टेप जो लगाएंगे हम कैबिनेट की टक्कर के साथ लगाएंगे, जहाँ पे उसकी एक साइड पार्टीशन शुरू हुई है, वहाँ से आगे हम 70 mm का निशान लगा देंगे। 70 mm बन जाता है जी ये तकरीबन 2.75 इंच पे, जहाँ पे ये 7 लिखा हुआ है, तो ये निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह गुनिये की मदद से थोड़ा सा आगे ले जाएंगे इस तरह से। ये हमारा निशान लग गया है जी, और इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे इधर। इसका ये सेंटर का पॉइंट भी बना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे
बिल्कुल उसके सेंटर में रख के इधर। एक चीज का यहाँ पे हमें बहुत ख्याल रखना है कि ये लाइन हमारी यहां से लेके ऊपर तक ये हमारा बिल्कुल सीधा हो, इसमें टेढ़ापन थोड़ा सा भी ना हो, क्योंकि वो जिस टाइम बंद होगा खुलेगा वो मसला करेगा। तो यहाँ पे हम निशान के सेंटर को देख के और इसकी यहाँ पे बिल्कुल सीधा देख के हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा एक स्क्रू लग गया है, ये भी इसका टाइट कर लेंगे हम, फुल टाइट नहीं करना क्योंकि यहाँ से ये मूव होता है। ये हमने एक साइड पे लगा दिया है, एक स्क्रू लगाया है, अभी हम इसको चेक करके देखेंगे कि आया कि हमारा ठीक है। ये हमारा बिल्कुल ठीक है जी, साइड से भी बिल्कुल बराबर है और ये गैप भी हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब खोल के देखेंगे इसको कि आया कि ये सही खुल रहा है, A1 खुल रहा है जी, बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा स्क्रू भी इसका जो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हमारा एक रहता है उसको हम लगा देंगे। ठीक है जी, अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। अब मैं आपको ये खोल के बताता हूँ किस तरह से ये खुल रहा है और किस तरह से ये बंद हो रहा है। ये देख सकते हैं जी, यहाँ से छोड़ा ये खुद बहुत ऊपर गया और यहाँ से इसको नीचे बंद करने के लिए पुश कर दिया और ऑटोमेटिकली ये बंद हो गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसका ये डोर है, ये दो डोर मैंने इसको लगाए हैं और आप जज नहीं कर सकते कि आया कि इसके डोर हैं या मुकम्मल कोई चीज़ बंद की गई है, मतलब किसी किस्म का यहाँ पे कोई गैप वगैरह नहीं आ रहा। और ये चीज़ भी आप देखें ना तो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस तरह से। ऊपर से भी आप इसको देख सकते हैं जी, किसी किस्म का कहीं पर इसने जोड़ नहीं दिया किसी किस्म का भी। ठीक है, तो ये लाइन भी आप देख लें जी, माशाल्लाह एक जैसी है वो जहाँ तक नज़र जाती है। ठीक है, आपको मैं करीब से भी बता दूं, ये देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।